नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के गरौठा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव का जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। इन दोनों वह ग्वालियर के दौरे पर हैं। आज वह ग्वालियर पहुंचे क्योंकि आपको बता दें कि खजुराहो में, जहाँ मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है, वहाँ पर 5 और 6 अगस्त को समाजवादी पार्टी का जो बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे। इसकी तैयारियों के सिलसिले में आज दीप नारायण सिंह यादव मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे। देख सकते हैं आप कितनी गर्मजोशी के साथ यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। यहाँ आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सबसे पहले उन्होंने पुष्प चढ़ाए और उसके बाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको किस प्रकार से संबोधित किया और पदाधिकारियों को जो आने वाले समय में 5 और 6 अगस्त को खजुराहो में पार्टी का सम्मेलन होने जा रहा है, उसको लेकर पूरी जानकारी दी। ये देख सकते हैं विशाल कार्यकर्ता यहाँ पर सम्मेलन हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कार्यकर्ताओं की जो उपस्थिति है उसे देखकर दीप नारायण सिंह यादव भी गदगद हुए। उन्होंने बताया कि जो पार्टी का सम्मेलन खजुराहो में होने जा रहा है, उसकी सफलता के लिए आप सभी को वहां पहुंचना जरूरी है। दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में इस बार जनता पूरी तरह से बदलाव के लिए तैयार है और समाजवादी पार्टी हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में संगठन को खड़ा कर रही है और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि जो भी युवा कार्यकर्ता हैं वह संगठित होकर लोगों तक जाएं और उनकी समस्याओं को सुनें, उनके बारे में जानकारी करें और किस प्रकार से पार्टी को और विस्तृत किया जा सकता है इसके प्रयास करें। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो खजुराहो आ रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचकर उनके विचार सुनने के लिए पहुँचना चाहिए, ताकि पार्टी की आने वाली रणनीति पर आपको अमल करने का मौका मिल सके। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ कार्यकर्ता, उसमें विशाल संख्या में जो भीड़ है उसमें महिलाएं भी आपको नज़र आ रही हैं, युवा भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, सभी वर्ग के यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर पहुँचे। फिलहाल दीप नारायण सिंह यादव ने इस मंच से एक बात साफ की कि पार्टी मध्य प्रदेश में इस बार बेहतर ही नहीं और अलग हटके प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि कई जगह पर जो जनसंपर्क करने वाले जा रहे हैं वहाँ पर साफ तौर पर पार्टी के प्रति लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार ने जो भी पिछले 5 साल में वादे किए थे उन पर किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लोग बेहद परेशान हैं। किसी भी इलाके में जाइए वहाँ पर सरकार की सिर्फ हवा हवाई घोषणाएं नज़र आती हैं। धरातल पर लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में खासतौर से सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, लोग पैदल और कीचड़ भरे रास्तों पर चलने को मजबूर हैं। किसान परेशान है, युवा परेशान है, तमाम प्रकार की परेशानियों को बताते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह पूरे जोश के साथ सम्मेलन के लिए तैयार रहें और पार्टी को विस्तार देने में पूरी जी जान से जुट जाएं। फिलहाल ग्वालियर में दीप नारायण सिंह यादव का जिस भव्य तरीके से स्वागत किया गया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम आपको जल्दी उनके नए दौरे की जानकारी देंगे और इसके बाद बताएंगे कि खजुराहो में सम्मेलन की और क्या तैयारियाँ हो रही हैं। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, ग्वालियर।